नमस्कार, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज हम आते हैं द डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस की अंडर दी हुई डिफ्यूज ल्यूकोडिस्ट्रोफीज पे। अगेन एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर मैं ऐड करना चाहूँगी। आई एम रीडिंग दिस बुक व्हिच हैज़ बीन पब्लिश लॉन्ग बैक, एंड उसमें बेसिकली लेक्चर्स दिए हुए हैं जो वेरियस डॉक्टर्स ने या साइंटिस्ट ने अपने कॉलेजेस में दिए थे अराउंड 1940s। तो जब तक की इन्फॉर्मेशन जो जो थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब ये डिफ्यूज ल्यूकोडिस्ट्रोफीज बेसिकली एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ इन्होंने इस हेडिंग के अंदर पुट की थी। अब कहना यही था जो इस चैप्टर के लेक्चर हैं उनका कहना उस समय के अनुसार ये था कि हम इसको दो सब ग्रुप कर सकते हैं, बट वो सब ग्रुपिंग किसी काम की नहीं रहेगी, बिकॉज एक सब ग्रुप में भी अलग अलग क्लिनिकल पिक्चर्स डेवलप होती हैं। तो सब ग्रुप उन्होंने बताए कि पहली साइट ऑफ जस्टिफिकेशन में हम ये कह सकते हैं कि इन्फेंटाइल है, जुवेनाइल और अडल्ट है, सब अक्यूट और क्रॉनिक है, फेमिलियल और नॉन फेमिलियल है। लेकिन कोई भी रिजिड क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एक ही ग्रुप में बहुत अलग अलग क्लिनिकल पिक्चर्स डिफ्यूज ल्यूकोडिस्ट्रोफीज की देखी गई थी। तो अभी के समय के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि ल्यूकोडिस्ट्रोफीज बेसिकली एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स या डिजीज़ हैं जो कि जेनेटिक, मेटाबॉलिक और प्रोग्रेसिव हैं, और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। उस समय के अकॉर्डिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो है ऑथर ने दिए हैं कि एक ही फैमिली में बहुत सारे लोगों को अगर डिफ्यूज ल्यूकोडिस्ट्रोफी है तो उसी की क्लिनिकल पिक्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है, और इसीलिए सब ग्रुप का उनको क्लासिफिकेशन सही नहीं लगा, क्योंकि फेमिलियल ल्यूकोडिस्ट्रोफी में ही हर एक बंदे की क्लिनिकल पिक्चर चेंज हो रही है। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ऑफ अ सिंगल फैमिली जिनके 13 सिबलिंग्स थे, देयर वर 13 सिबलिंग्स एंड 3 वर अफेक्टेड बाय प्रोग्रेसिव एंड अल्टीमेटली फेटल डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम। पहला केस जब ऑब्जर्व किया, इलनेस बिगेन एट द एज ऑफ 6 विथ प्रोग्रेसिव डबल हेमीप्लेजिया, डिमेंशिया एंड डेथ अकरिंग 6 मंथ्स लेटर। दूसरे केस में उन्होंने देखा कि जो पहला सिम्टम है एपिलेप्सी था, और वो हुआ था एज ऑफ 2 ईयर्स पे, और जो सीजर्स है दैट बिगेन विद राइट साइडेड कन्वल्सिव मूवमेंट्स विच बिकेम जनरलाइज्ड। यही बच्चा जो कि एक बॉय था, वो जब 6 साल का हुआ वो मेंटली बैकवर्ड हुआ विद प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी एंड एक्सटेंसिव प्लांटर रिस्पॉन्सेज। ओकेजनल लेफ्ट साइडेड फोकल सीजर्स भी उसमें ऑब्जर्व किए जाने लगे, और आगे के 5 साल और आगे चले, यानी जब तक वो 11 साल का हुआ, तो उसकी कंडीशन में कोई चेंज नहीं देखा गया। अब जो सेम फैमिली का थर्ड केस था, उसमें मेंटल रिटार्डेशन ऑब्जर्व की थी 18 मंथ्स की एज पे, विच वॉज फॉलोड बाय ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव डबल हेमीप्लेजिया। 11 साल की उम्र पे जो ये लड़की थी, और वो एक हेल्पलेस और मेंटली रिटार्टेड गर्ल रही, इम्बेसाइल रही, बट 20 ईयर्स की उस पे एज पे थोड़ा सा लिटिल चेंज उसमें देखा गया, थोड़ा सा लॉस ऑफ विजन फ्रॉम ऑप्टिक एट्रोफी देखा गया, और उसकी कंडीशन कोई ऐसा स्टेशनरी ही रही, कोई ऐसा चेंज नहीं आया बहुत सालों तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई फ्रॉम इंटरकरेंट इन्फेक्शन। पहले और तीसरे केस में द ब्रेन शोड द चेंजेस कंसिडर्ड टिपिकल ऑफ स्किल्डर्स एन्सेफेलाइटिस, और सेकेंड केस में कोई पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑब्टेन नहीं किया था। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि 5 और जो है सिबलिंग्स थे, और उनको ऐसा माना गया कि वो इन्फेंसी में ही ख़त्म हो गए थे, और कॉज जो है उनका माना गया मेनिनजाइटिस या कन्वल्जन्स जैसा, कोई फर्दर एविडेंस उसके बारे में या क्लिनिकल या पैथोलॉजिकल स्टेट के बारे में कुछ नहीं मिला। और इन इन्फेंस की स्टोरी से उस वक्त एक ऐसा एविडेंस सजेस्ट हुआ जिसमें इन्फेंटाइल इंसिडेंस ऑफ डिफ्यूज ल्यूकोडिस्ट्रोफीज उस वक्त रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को मिले। सो डिफ्यूज ल्यूकोडिस्ट्रोफी से पीड़ित एक और फैमिली का एग्जाम्पल दिया गया है,
और इस फैमिली में 3 siblings थे जो कि कंप्लीट जेनरेशन थी, और वो इस डिज़ीज़ से अफेक्ट हुए, और हर एक सिबलिंग में जो बिगिनिंग हुई डिज़ीज़ की वो बिटवीन द एजेस ऑफ 20 and 30 years हुई। उन डिज़ीज़ की बिगिनिंग के साथ साथ मेंटल डिटीरेशन होती गई, वीकनेस होता गया, एटेक्सिया होता गया, प्राइमरी ऑप्टिक अट्रोफी, स्कैनिंग स्पीच यानी एक ही शब्द को ब्रेक कर करके बोलना, हर एक सिलेबल के बाद एक पॉज लेना, एंड पिरामिडल साइंस सच एज स्पास्टिसिटी, वीकनेस वर अदर फीचर्स ऑफ दिस इलनेस, और ये तीनों में कॉमन थे। डिजीज ग्रेजुअली प्रोग्रेस हुई और फेटल प्रूव हुई यानी डेथ हो गई तीनों पेशेंट्स की 7 से 12 ईयर के अंदर अंदर, जब उनमें आफ्टर द ऑनसेट यानी जब शुरुआत हुई उससे 7 से 12 साल के बाद डेथ हो गई। डायग्नोसिस जो है डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस का किया था हर एक केस में, लेकिन पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में एंसेफेलाइटिस, पेरियाक्सियलिस डिफ्यूजा या स्केल्डर्स डिजीज मिली थी विद सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, ऑप्टिक नर्व्स एंड सेरिबेलम। तो बात आ रही थी ल्यूकोडिस्ट्रोफी के केसेस को, डिफ्यूज ल्यूकोडिस्ट्रोफी के केसेस को क्लासिफाई करने की, और पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट पे सेवरल टाइप्स में लोगों ने क्लासिफाई भी किए थे। लम्सडेन उन्होंने एक्सप्रेस किया कि केसेस ऑफ द टाइप ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड बाय स्किल्डर, जो स्किल्डर ने जो केसेस डिस्क्राइब किए थे ओरिजिनली उनमें जायंट प्लेग था, और ज़्यादातर वो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर से ही कन्फाइंड रहते थे। तो एक ये डिस्टिंक्ट वेरिएंट उन्होंने बता दिया ल्यूकोडिस्ट्रोफी का। वैन बोएगर्ट के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई रियल एनाटॉमिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन स्किल्डर ने जो डिजीज़ दी और डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस में नहीं पाया जा सकता। ट्रू ल्यूकोडिस्ट्रोफीज उनके अकॉर्डिंग स्किल्डर्स एंसेफेलाइटिस से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जैसे स्किल्डर ने ये फैक्ट स्टेट किया कि देयर इज सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ हेमिस्फीयर्स एंड बाय अ हाई रेट ऑफ फेमिलियल इंसिडेंस, कि जो स्किल्डर ने जो केस वन डिस्क्राइब किया था उसमें एसिमेट्री थी, लेकिन जो टिपिकल या ट्रू ल्यूकोडिस्ट्रोफीज हैं उसमें जनरली सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ हेमिस्फीयर्स होता है, बोथ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होता है, और हाई रेट ऑफ फेमिलियल इंसिडेंस होता है। अब ग्रीनफील्ड ने जो है इन सब के को देख के और हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट से 3 fairly well defined टाइप्स दिए। डिफ्यूज सेरिब्रल स्क्लेरोसिस जिसका सिनोनिम हुआ डिफ्यूज ल्यूकोडिस्ट्रोफी। पहला उन्होंने दिया इन्फ्लेमेटरी रिएक्टिव टाइप विच के नॉट बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस और न्यूरोमायलाइटिस ऑप्टिका। दूसरा उन्होंने दिया मेटाक्रोमैटिक टाइप, और तीसरा उन्होंने दिया अ ग्रुप डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एपिथेलियोइड सेल्स। पहले और दूसरे टाइप के यानी इन्फ्लेमेटरी रिएक्टिव टाइप के और मेटाक्रोमैटिक टाइप के ल्यूकोडिस्ट्रोफी में फेमिलियल हो सकते हैं और नॉन फेमिलियल हो सकते हैं, लेकिन जो तीसरे टाइप के हैं यानी जो अ ग्रुप डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एपिथेलियोइड सेल्स वो ज़्यादातर और मोस्टली फेमिलियल होते हैं। ऐसा कोई एविडेंस उस वक्त देखा नहीं गया कि क्या कितनी एक्सटेंट तक ये जो 3 subtypes हैं वो एक दूसरे में ट्रांजिशन ले सकते हैं या कोई ट्रांजिशनल फॉर्म एग्जिस्ट करती है क्या डिफ्यूज ल्यूकोडिस्ट्रोफी की, ऐसा कोई एविडेंस उस वक्त नहीं पता चला। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई नो इट वाज टू मच टू डाइजेस्ट, बट जो बड़े बड़े टर्म्स हैं उसको हम जो हमें नहीं समझ में आते हम डिक्शनरी में डेफिनेटली देख सकते हैं, बट इट इज़ आई एम फाइंडिंग दिस बुक रियली इंटरेस्टिंग। सो नेक्स्ट वील कंटिन्यू विद द इटियोलॉजी दैट हैड बीन डिस्क्राइब फॉर डिफ्यूज ल्यूकोडिस्ट्रोफीज इन दिस बुक in the next video. Thank you so much for watching this video. Share this video, like this video. Please post your comments in the comment section. Thank you so much.